सीमावर्ती जिला पुंछ के कई स्थानों में धार्मिक परंपरा के अनुसार मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई और एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने पहुंचे थे। पुंछ जिले में ईद का मुख्य कार्यक्रम ईदगाह पुंछ में आयोजित किया गया, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा करते हुए जम्मू कश्मीर के साथ समूचे देश में अमन, एकता और आपसी भाईचारे की दुआ मांगी। इस अवसर पर जिला विकास आयुक्त यासीन मोहम्मद चौधरी, SSP पुंछ विनय कुमार सहित गणमान्य नागरिकों ने जिला वासियों को ईद की मुबारकबाद दी। जिले में आपसी भाईचारे को कायम रखने की भी अपील की गई। मौके पे पूरा जिला पुंछ में तमाम मरकजी जामा मस्जिद या ईदगाह और बाकी सब जो हमने वेन्यूज प्रिपेयर किए थे, वहाँ बहुत पीसफुली अमन से ईद की नमाज़ पढ़ी गई और इसके साथ साथ लोगों ने कुर्बानी का भी सिलसिला शुरू किया। इस मौके पे पुंछ टाउन की बात करें तो हमारे तमाम मुख्तलिफ मज़हबों और कम्युनिटीज़ के लोगों ने इकट्ठे आके यहाँ सबको ईद की मुबारकबाद दी और हर साल की तरह यहाँ आज इस चौक पे, ईदगाह चौक पे बहुत ही खुशी का माहौल दिख रहा है। हर शख्स एक दूसरे को ईद मुबारक विश कर रहा है और इसी मौके पे हम सब ये दुआ करते हैं, ज़िला इंतज़ामिया, मैं, SSP साहब और हमारी सारी टीम, हम ये दुआ करते हैं कि ज़िला पुंछ में इत्तेहाद, चैन व अमन बना रहे और इस ज़िले की आवाम और तरक्की करे। बहुत शुक्रिया। के पावन अवसर पर आज पूरे पुंछ ज़िला में ईद की नमाज बड़ी आपने देखा कि शांतिपूर्वक यहाँ कल्मिनेट हुई। अभी हमारे पुंछ ज़िला के तमाम रिलीजियस जो प्रोमिनेंट सिटीजन हैं वो सारे यहाँ पर इकट्ठा होकर एक दूसरे को ईद की यहाँ पर मुबारक बात दे रहे हैं और हम सब मिलके ये दुआ करेंगे कि हमारे पुंछ जिला में शांति और अमन बहाली बना रहे, ये सब और सबकी तरक्की खुशहाली की हम सब ने मिलके यहाँ पर दुआ और कामना की। पुंछ से दी अर्थ न्यूज के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट।